आ रखे मेरे जेठानी जी के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे करके। कौन सा लंच, किसका लंच, कहाँ का लंच, पूरी लाए मौसी पूरी खाओ। 7.5 और 7.58 मंथ के हिसाब से। तो अभी हम नमन को आगन बढ़ ले जा रहे हैं क्योंकि ना इसका वजन नापना है वहाँ। क्यों, वजन कितना ज्यादा हुआ होगा तेरा? क्योंकि पिछली बार से ज्यादा कपड़े होते थे ना, जाड़े में ना कपड़े ज्यादा पहनते थे हम, इसलिए इसका वजन ज्यादा आता था। बीच में इसको थोड़ा बुखार भी आया, थोड़ा कमजोर भी हो गया ना। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार, मैं भूमि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। अभी मैं अपने नमन को लेके जा रही हूँ आंगनबाड़ी, क्योंकि वहाँ ना आंगनबाड़ी की मैम ने बुलाया है, इसका वेट कराना है, तो उसी के लिए मैं भी जा रही हूँ और नम्मू भी जा रहा है। और मुझे लगता है ना इस बार नमन का वेट में थोड़ा कमी आएगी, क्योंकि पिछली बार से क्या होता था कि ज्यादा कपड़े पहने रखता था, और इस बार क्या है कि कम कपड़े भी हैं, ऊपर से इसको बुखार भी आया था ना 2 दिन पहले, उसने कुछ खाया भी नहीं, उसकी वजह से कमजोर जैसा हो गया। तो आज भी ना इसमें लगा के इसका वजन नापा जाएगा। तुम क्या पढ़ रहे हो? 7.5 है। चलिए दोस्तों, नमन को यहाँ पे इसके फ्रेंड मिल गए हैं। नमन आपके फ्रेंड है ना सारे? हेलो बोलो सब। हेलो बोलो। तो ना अभी नमन का वेट आया 7.5 और 7.58 मंथ के हिसाब से ठीक है, अभी बढ़िया है, यहाँ पर है, सामान्य में है। नमन की छुट्टी होगी स्कूल से, अभी उठ रहे हो क्या? कैसे हो बोलो? कुछ भी नहीं है, देखते हैं वीडियो। कैसे हो? कैसे हो? तो दोस्तों ना इनके नाती नातनी आजकल शहर में है ना, तो ये वीडियो के थ्रू हेलो बोल रहे हैं उनको। ये खजूर मिलता है एक, आप रखो। हम लोग घर को जाने लग गए हैं और हमको ना आज आंगनबाड़ी से खजूर भी मिले थे, मैं भी खाऊंगी, इसलिए हम अम्मा को देके जा रही हूं। धो के खाना मत, धो के पानी से धो लेना फिर खाना। सुन रखा है, सुन जैसा हुआ है अभी, जस्ट उठा है ना अभी। हम लोग आंगनबाड़ी से भी आ गए हैं और घर पे आके देखा कि हमारे ना मेहमान भी आए हुए हैं। मेहमान आए हैं दीदी की मौसी और छोटू। हेलो तो ये तो शर्मा आ गया। और मौसी ना मम्मी से मिलने आए हुए हैं क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, और दीदी भी एक दो दिन में आ जाएगी। दीदी की विटोली चले गए? नहीं तो आज जो आई हूँ। दीदी तो घर पे है नहीं, लेकिन उनकी विटोली आए हुए। मैंने सोचा वहीं चले गए होंगे, लेकिन दीदी ना 2 दिन बाद आ रहे थे। आपको पता नहीं था? पता था, टाइम नहीं था मेरे पास। हाँ, उनको टाइम नहीं होगा क्योंकि गाय भैंस भी है ना, इसलिए। तो दोस्तों हमारा नमन एक ही गाने पे सोता है, ये मैं आपको सुनाता हूँ कौन से गाने पे सोता है। सो गाइस डन, सो गया, मिशन सक्सेसफुल। चलिए अब इसका बिस्तर लगा देते हैं। तो फाइनली नमन को सुला दिया है हमने भाई। जब भी हम उसको सुलाते हैं ना, तो हम वही सॉन्ग बजाते हैं, और वो सॉन्ग उसका इतना ज़्यादा फेवरेट है ना, वो सॉन्ग सुनते हुए सो जाता है भाई। भाई अच्छा है भाई, हमारे लिए ना एक बेनिफिट हमारे लिए ही है, हम वो सॉन्ग बजाते हैं और सो जाता है। जितना भी शैतानी कर रहा होगा ना, सॉन्ग प्ले कर दो, वो थोड़ा ना नींद वाले मूड में जाता है उसके बाद। और आजकल ना ये बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है यार। नमन ने अभी थोड़ा ही सोया, वो उड़ गया है, मैंने उसको भूमि के पास पहुँचा दिया था। तो अभी मैं भी चलता हूँ ऊपर, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, तो लंच कर लेते हैं फटाफट से यार। इन तीन को देख के मोटिवेशन मिलता है भाई रोज। और आजकल आप मेरे बैकग्राउंड में नहीं देख रहे होंगे टीवी, क्योंकि टीवी गई है पापा लोगों के रूम पे, कि पापा ने कहा कि मुझे न्यूज वगैरह देखना है भाई, शाम को बैठा ही जाता है यहाँ पर, क्योंकि थक के आते हैं काम से। तो हमने कहा लगा लो रूम पे। कौन सा लंच, किसका लंच, कहाँ का लंच, पूरी लाए मौसी पूरी खाओ। आजकल दो दो कुकर में चावल बनते हैं, मजाक कर रहा हूँ। एक कुकर में नमन के लिए बनता है, एक कुकर में हमारे लिए बनता है चावल। मेरे किचन से हटो, आज के लंच में है ये मलका की दाल, तो फटाफट से लंच कर लेते हैं भाई। चल नीचे रुक जा। इतना ताकत लगाता ना ये, बाप रे। लंच के बाद गोल्डू को मैं थोड़ा घुमा के लेके आ रखा हूँ रोड पे, इसको ना कर खोल नहीं रहे हम यार। इसको अगर हम खोल रहे हैं तो ये लोगों पे अटैक कर रहा है, तो ये बहुत डेंजर हो रहा है आजकल। पता नहीं लैब्राडोर अच्छे तो होते नहीं, पानी इसको क्या हो गया। जब से ना इस पे बाघ ने अटैक किया ना, तब से इसका बिहेवियर चेंज हो गया पूरा, तब से करता है ऐसा ज्यादा। दोस्तों आपको जो पेड़ पे दिख रहे हैं ना फल, इनको पहाड़ियां बोलते हैं तिमुल, तो इसको ना खाते हैं भाई, ओखली में कूट के ना इसका चटनी टाइप बनाते हैं फिर खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है यार। बचपन में इतना ज्यादा खाते है ना ये, मजा आ जाता था। चल हो गया बाथरूम, आप चल घर को।
पे गोल्ड को हम दिन में यहाँ बांध कर रख देते हैं क्योंकि ना यहाँ ठंडा होता है भाई बहुत ही, और इसको ना गर्म हो जाता है हमेशा, और बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गोल्ड को घुमा के लेके आ गया हूँ, अपना थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अपना कंप्यूटर वाला एडिटिंग वर्क मतलब, तो अपना एडिटिंग वर्क ही होता है भाई। चाबी दूसरी आ गई यार, हमारी सारी शादियों की एडिटिंग यही होती है दोस्तों। तो ये है डार्क रूम, इसको इग्नोर कीजिएगा, लाइट खोलता हूँ पहले। तो ये है भाई कुछ एडिटिंग रूम, तो सारा एडिटिंग वर्क यही होता है हमारा, तो उसमें होता है वीडियो एडिटिंग का काम इसमें। तो इसमें ना भाई एल्बम वगैरह का करेक्शन करता है, बिस्किट के रैपर, हार्ड डिस्क वगैरह सब यहीं रखे हुए मैंने। चलिए सीपी खोलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा एडिटिंग वर्क कर लेते हैं अपना फटाफट से, क्योंकि ना लोगों का काम भी ना देना है। तो भाई भी आ गया है मार्केट से, मॉर्निंग पे मार्केट पे गया हुआ था, क्योंकि ना भाई के ना हाथ में कुछ दिक्कत हो रही थी। दिखा तो अभी सेवा नहीं हुआ, दिखाना दोस्तों। ये हो रहा है पूरा पानी, रेड रेड पानी, किसने काटा है इसको, किसने काटा है, काटा ना डंके देगी यहाँ से हुआ है, यहाँ पे डंक मार रखा है, तो नस नसी यहाँ तक फैल गया है, अभी यहाँ तक फैल गया कह रहा है। तो डॉक्टर क्या कर रहा था, दिखाया नहीं डॉक्टर को, भी आइडिया ही नहीं आ रहा था किसने काटा है। दवाई दी गई कुछ, दवाई दी है, बुखार आया ना इसको काट के। अच्छा, तो पता नहीं भाई के हाथ में ना किस चीज ने काटा, वो पता नहीं फैलते जा रहा है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा रहा भाई। तो दवाई ववाई दी होंगी कुछ तो लगाएगा, देखते हैं कब तक सही होता है। अभी जो है भाभी जी के मौसी लोग भी जाने लग गए हैं घर को, तो उनको बता रही मम्मी चलो पैसे निकालो फटाफट, नहीं है जेब दिखाओ, नहीं है बिल्कुल नहीं है, हो गया शर्मा गया है, शर्मा गया है। अब इसको ये वाला इनाम दे रहे थे हम, अब इसको ये इनाम नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी आप तेरे को बतक देंगे, ले ले दे रहा है बतक। शाम हो चुकी है और भाई ना गोल्ड के लिए लेके आया था, आपको पता है गोल्ड काट रहा है लोगों को, तो हमने गोल्ड के मुंह पे लगा देंगे, फिर ये ना ही काटेगा ना ही कुछ चीज खाएगा ना आप चीजें। तो दोस्तों गोल्ड को फर्स्ट टाइम पहना रहे हैं हम, इसको पहनने भी देगा नहीं देगा कोई पता नहीं है हमको, मारूंगा फिर मैं, पकड़ इसको गोल्डी, आप तो नहीं लगाने देगा भाई, ये जो निकल गया ना हट हट, तेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं गोल्डी हम, ये मत कर। सो गाइस ना इसको हैवी नहीं है तो इसको पहनने में बड़ी दिक्कत हो रही है, गोल्डी नहीं यार पहना दे प्लीज यार, नो। तो फाइनली पहना दिया है मैंने इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तेरी गलतियों का बेटा, मत कर करता कल से मैं तेरे को, खुलते रहा मुँह, इसकी हैबिट नहीं हुई ना अभी, दो चार दिन पहनेगा तो हैबिट हो जाएगी। फिर थोड़ा बहुत ना अपना काम निपटाने के बाद अब मैं चलता हूँ अंदर, शट डाउन करते हैं इसको पहले, तो अब सारे बटन बंद कर देते हैं, लाइट ही बंद, चलो आप बाहर, तो अंधेरा हो गया भाई पूरा। तो गाइस शाम भी हो चुकी है और मैं खाने पीने की तैयारी भी करने लगी हूँ, साथ ही साथ मैंने आटा तो गूंद दिया है, और आज की सब्जी ना मेरे ससुर जी ने बनाई है। आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे जेठानी जी के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे करके, तो आजकल ना वो अपने मायके गई हुई है और उनके पास ना फोन वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ, तो इसलिए उनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, बाकी वो एक दो दिन में यहाँ जाने वाले हैं, तो उसके बाद आपको उनके ब्लॉग देखने को मिलेंगे। पर हमारा मानना है कि अगर हम लोग मायके जा रहे हैं तो वहाँ ना थोड़ा अपनी मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक दो ब्लॉग बना दिया उसके बाद मम्मी पापा के साथ मस्ती वगैरह की और अपना टाइम स्पेंड किया, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं उनके। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड भी कर देते हैं, होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं भूमि मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।